बाद मनाली से सोलांग वैली की तरफ बढ़े, काफ़ी बड़े रास्ते में, तो कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते में जाना आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत रहते हैं, तो हमें ऐसे सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों भैया, कैसा लग रहा है? काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम, कह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और एंड फन कर रहे हैं काफ़ी हम, और काफ़ी ट्रैफिक भी है और इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी हम, आई एंजॉय। तो ये देख सकते हैं इस तरह से बर्फ को यहाँ उड़ाने की वजह सब ऐसी मजे कर रहे हैं बर्फ में, बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं। भैया आप लोग हो कहाँ से? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आए हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू बना रखा है यहाँ पर, देखिए आप ये पेड़ों को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं चलने के लिए। ओके, तो मिलते रहेंगे आपसे आगे भी इसी तरह। अरे चल ना, पूरा फोटो काढायचे आहे आपल्याला। हां, अरे कोई नहीं, आओ, टेंशन ना लो, हम लोग इंडिया हैं। हां, नौकरी करते लगी है हमारी। जूते ले लिया पहले, पहले फिर दूसरे जूते ले लिया पहले। सोलांग वैली के जितने जबरदस्त नज़ारे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, यहाँ के लोगों के उत्साह की भी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये जो चल रही है यहाँ पर माउंटेन बाइक, उनके नज़ारे अलग है, पैराग्लाइडिंग के नज़ारे अलग है, ये जो भाई साहब कर रहे हैं कि ये स्केटिंग के नज़ारे अलग है, अद्भुत एकदम बिल्कुल जबरदस्त शानदार और जिंदाबाद। पूरा गोल घेरे में भी देख सकते हैं यहाँ का एक और नज़ारा है, यहाँ रोपवे है, वो देखिए रोपवे है, वहाँ से जो है ट्रॉली ऊपर जा रही है, ट्रॉली वहाँ से नीचे आ रही है। गोपी भाई है हमारे संग बेलपड़ाव से। गोपी भाई, क्या कहना चाहिए आज के दिन के लिए आपने? मैं यहाँ पे आके इतना खुश हूँ, मेरे दो जिंदा
फर्स्ट था सब खत्म हो गया और इतना मजा आ रहा है यहाँ पे सोलांग वैली में, ये सब इसमें यहाँ का नज़ारा। और दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे लाने का कष्ट किया और हमारा साथ दे यहाँ पे लाने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा देखो कि कितना यहाँ पे लोग कैसा मजा आ रहा है यहाँ पे रहने। और बाकी हमारे साथ में मित्र भारतगढ़, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भारत जी आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? हेलो, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो, मतलब बहुत अलग और यहाँ पे देखने को मिला है, मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है। बहुत जगह हम भी घूमे हैं, उत्तराखंड से आए हम, बाकी वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छी पहली बार ही देखा कि बर्फ के बाद इतना कुछ हो सकता था, इतनी पहाड़ियों के बाद ये चीज़ देखो ये गए दादा आप कहाँ से हैं? फिरोजपुर पंजाब। ये देखिए पंजाबी उत्तराखंड से भीड़ गया था, एक एक्सीडेंट होते होते बचा यहाँ पर बहुत बड़ा। तो आइए हम फिर से भरत भाई के पास आते हैं दोबारा। भरत भाई साहब जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर जगह के लोग हैं, हर जगह के। बाकी में बहुत ही आज हमारे लिए बहुत शानदार दिन रहा, सुबह से मतलब दो तीन दिन से भाग रहे थे। आप तो शायद यहाँ पहले भी आए हो, मगर आप मतलब मैं तो दो तीन बार आया हूँ, मैंने यहाँ पहले ही ऐसी ही बर्फ देखी है। ये कभी नहीं देखा था, वाकई में बहुत जबरदस्त है। बहुत रोड ब्लॉक है, पूरी रोड में 10 किलोमीटर तक पूरी लाइन लगी हुई है। हाँ यस, सुनो क्या हुआ? हो गया नहीं भारत जी, एक्सीडेंट बताइए थोड़ा सा। इस ट्रिप का हमें रास्ते तक तो जब इतना ट्रैफिक था तो मुझे ऐसा लगा था कि वापस चले जाते हैं आधे से, और आधे लोग वापस गए भी हैं। हमने देखा रास्ते से गाड़ियां चले जाती, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर तक पूरा रोड ब्लॉक है, इतनी गाड़ियां यहां पे हैं। मगर फिर हम स्कूटी में थे तो हम धीरे धीरे करके आगे आ रहा, टाइम बहुत लगा, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफी लोग जो है आगे पीछे चारों तरफ देखना पड़ रहा है, काफी लोग ने यहाँ पर पहुंचे भी नहीं है अभी, वो नीचे से चले गए, क्या हुआ था करके। जिन्होंने मेहनत करी उन्हें आज यहाँ का फल मिला है, जिन्होंने मेहनत करी वो यहाँ पहुंचे, इतने खुशनुमा नजारे में देखने को मिले। उससे ज्यादा लोग आधे से वापस चले गए हैं। बनता जा रहा है सोलांग वैली, एक एक्सीडेंट जोन बनता जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजे फिर भी बरकरार है। क्यों बदलती ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, मगर लेकिन लोगों के साथ यहाँ पे इतनी भीड़ में ठंड का एहसास हो नहीं रहा है। थोड़ी देर में नन्ना हो गया, बता नहीं सकता आपको, बहुत मजा आ रहा है दिनेश जी के साथ, भारत के साथ इतना अच्छा नजारा यहाँ पे। आके खुश हो गए, जो मैं देखने आया था वही आपको मिला और बड़ा सुकून भी मिल रहा है। बाकी है हमारे गेस्ट हैं, इनसे पता करते हैं कैसे लग रहा है आके यहाँ पे। आइए बेबी को, जब मैम हरियाणा से है, आपका मैम डर रही है इसमें, अभी उतर मैम को घूमना है, मैम घूम नहीं पा रही है। तो ठीक है, थैंक यू, अब तो गोले जाओ, चलो गोले जाए।